सो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी बुक के बारे में। रियलमी का ये पहला लैपटॉप होने वाला है। रियलमी इसे 18 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया, उसी दिन इसे चाइना में भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लॉन्च से पहले ही इस लैपटॉप के लगभग सभी के सभी स्पेसिफिकेशन, कई सारे लाइव इमेजेज बाहर आ गए। इसके अलावा इस लैपटॉप की प्राइसिंग से रिलेटेड भी जानकारी निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में इस रियलमी बुक में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा और इसे इंडिया में किस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में बात करने वाला है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी लैपटॉप के ऊपर मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइज चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो ये ब्लू एंड सिल्वर कलर में आने वाला है। इसमें जो डिजाइन दिया गया है वो बिल्कुल मैकबुक से कॉपी कर रखा है। उसी की तरह इसमें भी काफी स्लिम एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन दिया गया है, तो लुक्स वाइज ये मैकबुक की तरह देखने को मिलेगा। और अगर बिल्ड के बारे में बात करें तो ये लैपटॉप मैकबुक की तरह ही मेटल बॉडी के साथ आएगा। रियलमी क्लेम करता है कि ये इंडिया का सबसे स्लिम एंड लाइट वेट लैपटॉप होगा, क्योंकि ये 14.9 mm के थिकनेस के साथ आएगा और ये 1.3 kg का होगा। तो सच में ये काफी स्लिम और काफी लाइट वेट लैपटॉप होगा, तो मैकबुक की तरह इसे भी आप कहीं भी कैरी कर पाओगे और मेटल बॉडी होने की वजह से ये काफी ड्यूरेबल है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले इसका काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें 14 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 3:2 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले होगा। QHD प्लस रेजुलेशन के साथ आएगा, मतलब 2K डिस्प्ले इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। जो प्राइस इसकी लीक्स के थ्रू बाहर आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस लैपटॉप में डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के ऊपर और दोनों साइड के जो बेजल्स है काफी पतले दिए गए हैं, और चिन्ह के बारे में बात करें तो ये भी हल्के देखने को मिलते हैं। टॉप वाले बेजल्स में 720p वेबकैम का भी सपोर्ट दिया गया, जो कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि आप सबको पता है अभी के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन मीटिंग कितनी हो रही है। और नीचे वाले चिन्ह में रियलमी की एक छोटी सी ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा इस लैपटॉप में एक फुल साइज कीबोर्ड भी दिया गया है, जो कि काफी हद तक मैकबुक की तरह देखने को मिलता है। काफी बड़ा कीबोर्ड है और उसके नीचे एक बड़ा सा ट्रैक पैड भी दिया गया। कीबोर्ड के टॉप राइट में पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि इस लैपटॉप में ज्यादा पोर्ट्स नहीं दिए गए हैं। इसके लेफ्ट साइड में दो टाइप सी पोर्ट दिए गए और इसके राइट साइड में एक 3.5 mm जैक दिया गया, दूसरा USB पोर्ट दिया गया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इसमें 54 वॉट आर की डिसेंट बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसमें 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इन द बॉक्स इसमें 65 वॉट का चार्जर भी मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये लैपटॉप टाइप सी के थ्रू चार्ज होने वाला है, तो अलग से आपको कोई भी चार्जर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन के चार्जर से भी आप इसे अच्छी तरीके से चार्ज कर पाओ। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया फीचर्स के बारे में। तो इसमें स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। इसमें जो साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया वो हार्मन कार्डन का है, तो क्वालिटी जो मिलेगी वो इसमें काफी अच्छी मिलेगी और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो भी इसमें काफी अच्छा मिलेगा। आगे बढ़े दोस्तों बात करें इस लैपटॉप के और भी कुछ फीचर्स के बारे में। तो ये लैपटॉप DDR रैम सपोर्ट के साथ आएगा, 16 GB का रैम मिलेगा। SSD के बारे में बात करें तो 512 GB की इसमें SSD देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी चीज है। इस लैपटॉप में डुअल इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा और आउट ऑफ द बॉक्स ये लैपटॉप विंडोज 10 के ऊपर आएगा। बहुत जल्द इसमें विंडोज 11 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें इंटेल का i5 11 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इंटेल का i5 11 35G7 प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है और अभी कुछ दिनों पहले ही ये रेडमी बुक 15 प्रो में भी देखने को मिल चुका है। ये जो चिपसेट ये 4.4 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पे काम करता है और इसमें इंटेल का आयरिस ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें काफी अच्छा मिलेगा, फिर चाहे आप इसमें ऑफिस वर्क करो, वीडियो एडिटिंग करो या फिर गेमिंग करो, ये लैपटॉप परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा निकाल के देगा। डिजिटल चार्ट स्टेशन जो जाने माने टेक टिप्सर हैं, उनके द्वारा इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस टेस्ट भी बाहर आ गए हैं, जहां पे 95 FPS की एवरेज फ्रेम रेट इसमें देखने को मिलती है। तो गाइस कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ रियलमी बुक लॉन्च होने वाला। बात करते हैं अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसके प्राइस को लेकर कोई भी अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो बाहर निकल के नहीं आया है, लेकिन लीक्सटर के थ्रू इसके एक्सपेक्टेड प्राइस बाहर आ रही है और कहा जा रहा है कि इसे इंडिया में अराउंड 50-55,000 के बीच लॉन्च किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इसे इस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है तो प्राइस काफी डिसेंट होगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ज्यादा दूर है नहीं, बहुत जल्द ये लॉन्च किया जाएगा, सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।